सो वेलकम टू द चैनल गाइस। तो जैसा कि हमारे सामने न्यूज निकल कर आ रही है कि पबजी का नया गेम पबजी न्यू स्टेट जो कि क्राफ्टन का गेम है वो इंडिया में रिलीज होने वाला है, उसी से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो उन्हीं सभी में से उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले है और साथ ही में उसी के रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी हम यहाँ पे बात करने वाले है। तो अगर ये सब कुछ आप मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना और वीडियो पसंद आ जाता है तो जरूर इसको लाइक कर देना, चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर देना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड बातें जानने के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि पबजी का जो नया गेम है वो हमारे इंडिया में रिलीज होने वाला था, जिसकी अनाउंसमेंट हमें 7 महीने पहले ही देखने को मिल गई थी। लेकिन उसका नाम क्या होने वाला था या फिर उसको किस फॉर्म में वो यहाँ पे हमारे सामने लाने वाले थे, इसके बारे में तो हमको कोई भी डिटेल नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पबजी ने अपना न्यू स्टेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि पबजी न्यू स्टेट को अब ओन करता है क्राफ्टन और जिसका पहले वाला नाम था ब्लू होल और वो अब टेंसेंट का जो भी कुछ चक्कर था वो भी पूरा खत्म हो चुका है। तब तो उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन भी खोल लिए है और हो सकता है कि अब तक तो आपने प्री रजिस्टर तो कर भी लिया होगा। तो अगर आपने अब तक प्री रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप कर भी सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि प्री रजिस्टर करने के बाद ही आपको गेम मिलेगा, गेम तो वैसे भी 11 नवम्बर को ही आने वाला है, उसी दिन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसका BGMI के जैसा नहीं है कि एंड्रॉइड वालों के लिए पहले आ जाएगा और iOS वालों के लिए बहुत ही ज्यादा लेट आएगा, ऐसा इसका कुछ भी नहीं है। सेम डेट को दोनों भी हमें रिलीज होते हुए देखने को मिल जाने वाले है। यही इस गेम के बारे में एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज मुझे तो भी लगी। वैसे तो BGMI और पबजी न्यू स्टेट को कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसका जो फुल कंपेरिजन है जो की 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है, इसके लिए मैं नया वीडियो बना लूंगा। अगर इसी वीडियो में मैं पूरा कंपेरिजन करने बैठा तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो के 2 से 3 दिनों के बाद ही मैं इसका फुल कंपेरिजन इसी चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ, तो यार इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूरी करके रख देना। तो चलिए सिस्टम चेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस गेम की यानी कि पबजी न्यू स्टेट की, तो वो हमें BGMI से थोड़ी सी हटकर तो हमें देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट गेम भी हमें देखने को मिल जाता है और ये एक फ्यूचरिस्टिक भी गेम है। इसी की वजह से हमें बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट में। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 6 से ऊपर ही होना चाहिए और आपके पास एक हाई एंड डिवाइस है जिसका रिफ्रेश रेट 90 FPS से ज्यादा है वो आपके पास है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन आपके पास अगर एक एंड्रॉइड डिवाइस है जो कि बहुत ही ज्यादा साधारण सा मोबाइल है, तो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैक्सिमम एंड्रॉइड 6 के ऊपर का ही यहाँ पे डिवाइस होना चाहिए और मिनिमम 4 GB RAM तो भी इसमें जरूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बहुत ही इजिली पबजी न्यू स्टेट को एंजॉय कर सकते हो। और इधर हम iOS के बारे में बात करें तो अगर आपके पास iPhone 6s के ऊपर वाला कोई भी मोबाइल है तो आप इसमें बहुत ही इजीली तरीके से ये गेम खेल सकते हो। तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी का कंपैरिजन हम BGMI से करें तो हम BGMI में सिर्फ 2 से 3 GB के RAM में हम इसे इजीली हम खेल सकते थे BGMI को, और एंड्रॉइड की भी जो रिक्वायरमेंट थी वो 5.1.1 के ऊपर वाली ही थी। लेकिन इसमें हमें थोड़ा बहुत सिस्टम रिक्वायरमेंट इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गेम देखने को मिलने वाला है और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वैसा वैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट भी चेंज होने ही वाले हैं, ये बात तो कंफर्म है। तो अगर आप न्यू डिवाइस को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी यहाँ पे लिस्ट बनाकर रखी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, तो उस पर जाकर भी आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है आपका डिवाइस चुनते वक्त, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो जरूर लाइक कर देना और ऐसी गेमिंग से रिलेटेड बातें जानने के लिए यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर देना। और आपको कौन सा भी डाउट हो तो यार एक बार कमेंट कर देना, मैं जरूर उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक नए वीडियो में।